श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मंदिर किस तरफ होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए और क्या रखना चाहिए मंदिर में और क्या नहीं रखना चाहिए। मंदिर कैसा होना चाहिए? मंदिर हमेशा हमारा लकड़ी का होना चाहिए या संगमरमर का भी मंदिर हम ले सकते हैं। हमें कभी भी लोहे का मंदिर नहीं लेना है। लोहे के मंदिर से हमारे घर में नकारात्मकता आती है, राहु का काल बना रहता है और शनिदेव हमसे रुष्ट रहते हैं। हमें जब भी हमें मंदिर खरीदना हो, हमें सिर्फ लकड़ी और संगमरमर का हम मंदिर ले सकते हैं। ज़्यादातर हिंदू परिवारों में सभी के घर मंदिर होता है। इससे माना जाता है कि हमारे घर में सकारात्मकता ऊर्जा का वास रहता है। मंदिर में कभी भी हमें माचिस नहीं रखनी चाहिए, ना ही कभी जली हुई माचिस जो हम यूज़ करते हैं वो पड़ी हुई नहीं रहनी चाहिए। जब भी मंदिर में माचिस यूज़ करें हमें अलग रख देनी चाहिए। अगर मंदिर में से अलग नहीं रखते हैं तो आप एक लाइटर भी रख सकते हैं जो जलाने के लिए, वो हमारे घर में नकारात्मकता नहीं लाएगा। कभी भी मुरझे हुए फूल हमें नहीं रखने हैं। हमारी जो काली बाती निकलती है वो भी कभी इधर उधर नहीं फेंकनी है, उसे भी हमें अलग कर देनी है, मंदिर में आसपास नहीं रखनी है। हमें कभी भी मांस खाकर कभी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। जब भी ग्रहण लगे हमें तब भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए और कभी भी टूटे चावल से हमें भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा ताजे फूलों से भगवान का श्रृंगार करना चाहिए और तांबे के लोटे में जल भरकर हमेशा मंदिर में रखना चाहिए। इससे हमारे घर में धन संपदा में वृद्धि बनी रहती है, हमारे घर में अनधन की कोई कमी नहीं रहती है। हमें हमेशा खंडित मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। अगर हमारी मूर्तियां खंडित हो गई हैं हमें उन्हें विसर्जित कर देना चाहिए और हमेशा एक मोर का पंख जरूर रखना चाहिए। इससे हमारे घर में सकारात्मकता आती है और हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। हमें कभी भी पति पत्नी के कमरे में कभी मंदिर नहीं लगाना चाहिए, ना ही कोई फोटो लगानी चाहिए और ना ही बाथरूम के पास मंदिर रखना चाहिए। लाल कपड़े से हमें रात को ढककर मंदिर रखना चाहिए, इससे हमारे घर में लक्ष्मी का वास रहता है। हमें कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं खरीदनी है जिसमें माँ लक्ष्मी अलग से हों। हमें पति पत्नी जब जोड़े से हों ऐसी मूर्तियाँ खरीदनी चाहिए, क्योंकि इसी से ही हमारे घर में वास रहता है माँ का। जैसे शिवजी महाराज के साथ माँ पार्वती की मूर्ति हो और विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी हो, ऐसे ही मूर्तियाँ हमें अपने मंदिर में रखनी है। राधा कृष्ण भगवान के साथ राधा कृष्ण की मूर्ति रखनी है। कभी भी अलग से मूर्ति, अकेली मूर्ति नहीं रखनी है और हमें हमेशा गणेश जी की मूर्ति जरूर रखनी है, जिससे हमारे घर में गणेश जी की कृपा बनी रहेगी। और गणेश जी की पूजा हमें सबसे पहले करनी होती है, क्योंकि गणेश जी को प्रथम स्थान दिया गया है, प्रथम स्थान पूजा जाता है गणेश जी के लिए। तो गणेश जी की मूर्ति भी हमारे घर में अवश्य ही होनी चाहिए। सबसे पहले उन्हीं की पूजा से हमें पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। हमें कभी भी छोटा शिवलिंग, हमें कभी भी बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। हमें जब भी हम शिवलिंग रखें तो अंगूठे के साइज तक का शिवलिंग हम अपने घर में रख सकते हैं। और हमेशा हमें गंगा जल भर कर रखना है। गंगा जल से हमारे मंदिर में पवित्रता आती है और हमारा घर शुद्ध रहता है। जब भी हम पूजा पाठ करके निकलें तो हमें थोड़ा सा जल अपने घर में छिड़कना चाहिए। इससे हमारे घर के वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं, हमारे घर में नकारात्मकता की कमी रहती है। और तुलसा जी के पत्ते हमें भगवान विष्णु को अर्पित करने चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि तुलसा जी को विष्णु भगवान पर अगर हम चढ़ाते हैं तो हमारे घर में धन धान्य में वृद्धि रहती है और कभी हमारे घर में वो परेशानी नहीं आती है। और हमें तुलसा जी के अंदर कभी भी गणेश जी को विराजमान नहीं करना चाहिए और ना ही हमें शंकर भगवान के पास तुलसी रखनी चाहिए, क्योंकि तुलसी और शंकर भगवान में वैर माना जाता है। कभी तुलसी हमें शिवलिंग पे भी नहीं चढ़ानी चाहिए। हमें क्या करना है, हफ्ते में एक व्रत जरूर रखना है। माना जाता है कि यदि हम एक व्रत जरूर रखते हैं तो हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास रहता है। और शुक्रवार को महिलाओं को जरूर एक व्रत रखना चाहिए, इससे घर में धन संपदा में वृद्धि रहती है और हमारे घर में कोई परेशानी नहीं आती है। हमें कभी भी क्रोधित अवस्था में पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्रोधित अवस्था में कभी पूजा नहीं लगती है, हमारे घर में परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और हमारा कभी
पूजा में मन नहीं लग सकता है। इसीलिए हमें जब भी हम पूजा करने बैठे, हमें शीतल मन से भगवान के आँख बंद करके भगवान की ओर आकर्षित होकर भगवान को देखकर भगवान को निहार कर पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारा घर सुख शांति से भरा रहेगा, हमारा मन भगवान में लगा रहेगा। हम जब भी जोत जलाएं, हमें घी से जोत जलानी है। देसी घी में इतनी पावर होती है कि जितनी भी उसकी किरणें निकलती हैं, जितनी भी उसकी महक निकलती है, वो हमारे वातावरण को शुद्ध करती है। हमें हमेशा गाय के घी के दीपक से ही पूजा करनी चाहिए और गाय का घी का दीपक, हमारे गाय का घी हमेशा हमें अपने मंदिर में रखना है। इससे हमारे घर में शीतलता बनी रहेगी, हमारे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। जब भी आप पूजा करें, माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की जरूर करें। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की पूजा सभी महिलाओं को करनी चाहिए, इससे घर में धन संपदा में बढ़ोतरी होती रहती है। जब भी आप शिवलिंग पे जाएं, थोड़ा जल में दूध गंगा जल डाल कर ले जाएं और थोड़ा दूध डाल कर ले जाएं, जब भोलेनाथ पर चढ़ाएं तो आप नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहना ना भूलें, क्योंकि माना जाता है कि नंदी शिवजी महाराज के वाहन हैं और वो हमारी जितनी भी पुकार है तुरंत शिवजी भोलेनाथ के आगे कान भोलेनाथ के आगे रखते हैं और भोलेनाथ उसे अवश्य ही सुनते हैं। जितनी भी आपकी परेशानियां हैं नंदी के कान में कहिए, नंदी के कान में कहने से सीधी शिवजी महाराज के पास पहुंच जाती है। हमें एक तस्वीर भोलेनाथ की महा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की एक साथ रखनी चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारे घर में दुख दरिद्रता खत्म हो जाती है और हमारे घर में नकारात्मकता नहीं आती है। हमें कब पूजा करनी चाहिए? हमें पूजा सुबह की पूजा हमें 4 बजे से 6:45 तक कर लेनी चाहिए। अगर हम इस शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं तो हमारे घर में कभी परेशानी नहीं आती है, हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। जब भी कभी परेशानी आती है तो आप मंदिर में जाकर सीधे भगवान के पास बैठकर अपनी परेशानी बताएंगे तो भगवान अवश्य ही सुनते हैं, क्योंकि भगवान में इतनी शक्ति है कि वो आपकी सभी जितनी भी परेशानियां हैं एकदम में ख़त्म कर देते हैं। इसलिए आपको जितनी भी परेशानियां हो, जितनी भी आपको भड़ास निकालनी हो, भगवान के आगे बैठकर हमेशा निकालनी चाहिए। इससे भगवान आप पर परेशानी को समझेंगे और आपकी परेशानी ख़त्म करेंगे। अगर आप वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर